नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि जो हमारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं उनको क्या हमारे ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम में अपनी स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है या नहीं है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं और उनकी कॉम्पिटेंस क्या है, उनके कार्य करने की परिस्थितियां और उनके कार्य करने की सीमाएं कितनी हैं, किस सीमा तक वो काम कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं बात करूंगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन और उसके एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं उनकी क्वालिफिकेशन अगर बात करें, ग्रेजुएट अगर वो हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होना आवश्यक है, अथवा जो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स है उसके सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन से कॉर्पोरेट मेंबरशिप होना आवश्यक है। आइदर ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग और कॉर्पोरेट मेंबरशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन, अगर ये क्वालिफिकेशन उनके पास है तो इस केस में ऐसे कैंडिडेट्स को 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आवश्यक है स्ट्रक्चरल इंजीनियर के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए। ये जो एक्सपीरियंस है 3 साल का, ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के फील्ड में प्रैक्टिस करने का, डिजाइन करने का और फील्ड वर्क करने का 3 साल का एक्सपीरियंस होना आवश्यक है उनके लिए, नंबर एक। अब बात करते हैं नंबर दो, अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की है तो उनके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस रिलैक्स कर दिया गया है। मतलब यहाँ पे ग्रेजुएट होने पे 3 साल का एक्सपीरियंस है और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में अगर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो 2 साल के एक्सपीरियंस से ही उनका काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी उनका जो एक्सपीरियंस है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के फील्ड में प्रैक्टिस करने का, डिजाइन करने का और फील्ड वर्क करने का होना आवश्यक है। इसी तरह बात करते हैं कि अगर उन्होंने डॉक्टरेट की है, अगर उन्होंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है तो फिर उनको 1 साल का ही एक्सपीरियंस आवश्यक है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के फील्ड में प्रैक्टिस करने का, डिजाइन करने का और फील्ड वर्क करने का 1 साल का एक्सपीरियंस उनके लिए आवश्यक है। किन लोगों के लिए? जिन्होंने डॉक्टरेट डिग्री की है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के फील्ड में। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर की कॉम्पिटेंस क्या है, उनके कार्य करने की सीमाएं क्या हैं, किस सीमा तक वो कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ऊपर जो क्वालिफिकेशंस दी हैं, ये क्वालिफिकेशंस और ये एक्सपीरियंस स्ट्रक्चरल इंजीनियर का कंप्लीट है तो वो स्ट्रक्चरल डिजाइन करने में, कैलकुलेशंस करने में और उनके डिटेल्स बनाने के लिए ऑल बिल्डिंग्स के लिए, सभी बिल्डिंग के लिए वो अधिकृत हैं। किसी भी तरह की बिल्डिंग हो उसके लिए स्ट्रक्चरल डिजाइन तैयार कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं उसके बारे में और डिटेल्स बना सकते हैं। और नंबर दो क्या कर सकते हैं, वो सभी तरह की बिल्डिंग्स के लिए, ऑल टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स के लिए वो सुपरविजन का कार्य भी कर सकते हैं स्ट्रक्चरल के फील्ड में। ये उनकी कॉम्पिटेंस है, कार्य करने की सीमाएँ हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं क्या उनके लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक है या नहीं। ये सवाल कई व्यूअर्स ने पूछा है। हमारे एक व्यूअर हैं श्री गणेश कुमार जी, काफी दिनों से ये सवाल पूछ रहे थे कि सर स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है, ये बता दी जाए, इसके लिए कोई वीडियो बना दें। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम जो है वो नक्शा पास करने के लिए जो प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स हैं या जो आर्किटेक्ट्स हैं उनको ही LTP रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता है। अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियर के रूप में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और उस प्रैक्टिस में ये दोनों काम आप शामिल कर रहे हैं जो आपकी कॉम्पिटेंस है, डिजाइनिंग, कैलकुलेशंस एंड डिटेल्स फॉर ऑल बिल्डिंग्स और सुपरविजन ऑफ ऑल बिल्डिंग्स, अगर इतना ही काम आप करना चाहते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर के रूप में, तब फिर आपको ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के अंतर्गत LTP रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड इंजीनियर के रूप में भी काम करना चाहते हैं और स्ट्रक्चरल इंजीनियर के रूप में भी काम करना चाहते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन अगर है, आप ग्रेजुएट हैं तो रजिस्टर्ड इंजीनियर के रूप में भी काम करना चाहते हैं, तो अगर आप ड्राइंग बनाने के लिए रजिस्टर्ड इंजीनियर के रूप में काम करना चाहते हैं तब फिर आपको
ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के अंतर्गत एलडीपी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए या जो ग्रेजुएट और क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स हैं उनके एलडीपी रजिस्ट्रेशन के लिए हमने अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, उनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर के रूप में ही प्रैक्टिस करनी है तो आपको एलटीपी रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर से एक बार क्लियर करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अगर आप दोनों काम करना चाहते हैं, आप प्रैक्टिसिंग इंजीनियर के रूप में भी, ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर के रूप में भी काम करना चाहते हैं और स्ट्रक्चरल इंजीनियर के रूप में भी काम करना चाहते हैं, तो फिर आपको एलटीपी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, जैसा कि हमने अपने वीडियो में बताया था ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर्स के लिए। अगर आपको सिर्फ स्ट्रक्चरल इंजीनियर के रूप में काम करना है तो आपको ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम पर किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ना तो एलटीपी रजिस्ट्रेशन की ना किसी अन्य रजिस्ट्रेशन की। लेकिन आपको इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर से मेंबरशिप लेने की आवश्यकता है। वही लोग स्ट्रक्चरल इंजीनियर के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं जिनका इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर से मेंबरशिप है। जिनके पास मेंबरशिप कई तरह की होती है, एसोसिएट मेंबरशिप है, कॉर्पोरेट मेंबरशिप है, या चार्टर्ड इंजीनियर के रूप में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तो किसी भी तरह की मेंबरशिप लेना आवश्यक है सिर्फ स्ट्रक्चरल इंजीनियर के रूप में अगर आप काम करना चाहते हैं। दोस्तों इसके आगे और ये बताना आवश्यक है कि चूंकि ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के अंतर्गत स्ट्रक्चरल इंजीनियर के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए किसी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, सिस्टम के ऊपर सिर्फ मेंबरशिप लेनी आवश्यक है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर से। लेकिन अगर आप जो रजिस्टर्ड इंजीनियर हैं या प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स हैं ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के अंतर्गत जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उनके साथ मिलकर काम करेंगे तभी आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर में ज्यादा काम करने की संभावनाएं बनी रहेंगी। वो लोग नक्शा बनाएंगे, अपने ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम पर लोड करेंगे, पास कराएंगे, और जिन केसेस में स्ट्रक्चरल इंजीनियर की जरूरत होगी आप उनके साथ एसोसिएट बनकर रहेंगे, उनके साथ मिलकर काम करेंगे, उनकी टीम बना के उनके साथ रहेंगे, तो आपको जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर से संबंधित काम है वो उनके साथ मिलकर आपको वहां से मिलते रहेंगे और आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये इस वीडियो में आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर के संबंध में कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है इसकी जानकारी दी गई है। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।